था एक बार कि त्रेता युग में जो भगवान राम से लड़ाई हुई रावण की, अगर रावण जैसा वीर और गंगा पुत्र भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, इन दोनों का एक ही समय संग्राम हो जाता तो कौन विजयी होता। उसमें उत्तर में यही आया कि गंगा पुत्र भीष्म जीत जाते, रावण हार जाता। क्यों? इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, चाहूंगा तो मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा, यह वरदान था। और एक खास बात और थी कि जितने बाण सामने मारते थे उतने तीर पीछे मार देते थे, ऐसा ब्रह्मचारी था। श्रोता बंधु, नौ दिन हो गए नौ, और इधर दुर्योधन ने कहा गंगा पुत्र भीष्म से कि पिता, मैं आज समझ पाया हूं मैं कि तुम अन्न खा रहे हो मेरो, पाठ बजा रहे हो उनको, 10,000 रोजाना मार रहे हो पर पांचन में तो नहीं मरो। जब वीरता पर लांछन लगा उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने हाथ उठा करके कह दिया नौवें दिन शाम को कि कल के युद्ध में पांचों को मार दूंगा, जा पर तू शांत तो है जावे हो। जो घोषणा की कि पिता मैंने घोषणा कर दिया पांचों को मार दूंगा, आज इधर कुंती को जब पता चला तो रोई गई। बेटा का सबसे ज्यादा बड़ा डाह जो होता है वो महतारी को होता है। अब कुंती ने सोची कि जब ये पांच ही मर जाएंगे तो फिर हाथ जीत किनकी हो गई। तो कन्हैया ते कही श्याम सुंदर, जे मेरे बेटा हैं, मैंने तो भीख मांगो सीख ले, भीख मांगो सीख ले, कन्हैया जब लड़ाई बंद करवा दो, क्योंकि पिता मैंने जब प्रतिज्ञा कर ली है तो कल मारे ही जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा जब पांडव ही मर जाएंगे तो फिर हाथ जीत किनकी हो गई। कन्हैया मेरे बेटा बच सकता है कैसे हूं? श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो बुआ, तुम जी चाहो कि मैं बदले में लड़के खुद बचा दू, कबजा मेरो नहीं है, पर हां अगर कोई राजनीति का दाव बैठ गया तो बचा तो दूंगा। पर जी बताओ तुम्हें कोई ऐतराज ना होए तो तुमने द्रौपदी भेज देगी मेरे संग रात में, लिवा जाओ वो तो तुम्हारी बहन के समान है। आज पांचाली द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण चले हैं रात में, जब दोनों तरफ के योद्धा सो रहे थे तब। एक बात जीवन में ध्यान रखना, गंगा पुत्र भीष्म को नींद नहीं आती थी रात में भी, पूरे दिन तो लड़ाई लड़ते थे लेकिन रात में बैठ के भगवान का भजन करते थे कि प्रभु अब ही बंद है जाए, लड़ाई अब बंद है जाए। क्यों? अच्छा आज देखो काऊ बाबा के नातन में लट्ठू बच जाए और बाबा ते जी पूछोगे इनमें कालम को मच जाए तो बाबा तो मालूम है कि काऊ लंग मरे मरे हो बाबाई को, दुखी रहते थे। और इधर आज भगवान द्रौपदी को लेकर के चले पांचाली, चलो अब पांडवों का जीवन संकट में, अब पांडवों की प्रतिज्ञा हो चुकी है कल मारे जाएंगे बचेंगे नहीं। श्रोता बंधु, आज द्रौपदी आगे कर लिया और भगवान कन्हैया पीछे चले। बाहर द्वारकाधीश तेरी लीला कैसी रही, क्या करते थे? लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। परीक्षा जी, अर्ध रात में डोल रही है देखत डेरा, डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। कन्हैया ने यह कह दी थी कि एक काम करियो द्रौपदी, डेरा पर्दा खोल खोल के देखियो बाबा कौन से डेरा में। जैसे ही पर्दा खोलती गई और जिस समय नीले रंग का पर्दा हटाया, भजन पे बैठे थे क्या? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे बाबा की, अरुण रण को टंग
रण का ताज टंगा हुआ था और भजन कर रहे थे। भगवान ने शिकायत दी कि आवाज दियो मति मोते कछु कहियो मति, केवल पैर छुए यो बस। देखो ये कथा यहां संकेत करती है कि सास ससुर के पैर छूने से बहू को कितना मिल सकता है। पांडवों का जीवन संकट में पड़ गया था, प्रतिज्ञा कर ली थी मारे जाते, कोई बचाने वाला नहीं था दुनिया में। और आ द्रौपदी जब गई, कन्हैया ने शिकायत दी कि कछु कहियो मते, केवल चुपचाप पांच हुए यो। सो धीरे से दा गई और जैसे ही दोनों हाथ आज ससुर के पैरों पर रखे तो आशीर्वाद क्या दिया है। अरे हाथ उठाई कही भी समनी, कही बाबानी और सुहाग बनो रहते तो समझ लिया कि कोई नारी आई है। अंधेरा था, पैर छुए, उसी समय हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया कि तेरा सुहाग बना रहा। लौटे आई कन्हैया ने की का कही, भैया जी कही तेरा सुहाग बनो रहे, तो अब के लौट के फिर जाओ। और अब आवाज दे के पूछियो कि रण क्षेत्र में प्रतिज्ञा करिए कि पांचों को मार दूंगा, और अब अपने ही मौत जी कह रहे हो तेरा सुहाग बनो रहे, तो स्वागत तो तभी तो बनो रहे तब पांचों जिंदा रहे। कितनी चतुराई थी। आ लौट की जब द्रौपदी गई और आवाज दी पितामह, द्रौपदी की आवाज पहचानते समय भीष्म को पसीना आ गो। पांचाली, हाँ पितामह, कहो बेटा कैसी आई। पिता मैं जी बता दो कि तुमने लड़ाई के मैदान में तो जी कही के कल पांचों को मार दूंगा, और अब अपने मौत जी कही अगर तेरे स्वाग बनो रहे, तो बाबा स्वागत तभी तो बनो रहा तब पांच जिंदा रहे। समझ के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, जो कि पांचाली बेटी तो ही क्या बताऊं क्या। अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिबाई की लइए, सलागी रजो तो बाल वाला जो त्यो सलागी संगा हुआ। लौटे आई का कही, भैया तुम्हें बुला रहे, ध्यान रखना आज उस ब्रह्मचारी का सामना करने में साक्षात ब्रह्म कांप गया। भीतर गए, कन्हैया ने खुद प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। कहो श्याम सुंदर कैसे लाए हो द्रौपदी को, तो चाल चल की बात करी। पितामह त्याई घर की वो बहुआ तुम बाके ससुरो, वो पूछ रही है ताको जवाब दो। कन्हैया द्रौपदी का तो जवाब मैं दे ही दूंगा, पर पहले एक जवाब तुम दे। के पूछो के जे पांचाली हवन कुंड से जन्मी थी द्रुपद महाराज के यहां, और जिस दिन हवन कुंड से जन्मी थी उस दिन इसके पैरों में चप्पल संग आई थी। परिचय जी का यक रहे हो, आकाश को घंटा बज रो है। स्वामी जी पूछ लो, वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता जिसमें आकाश का घंटा ना बजे। बजरो जाइत कहते हैं आकाश को घंटा। पता है ये पांडवों के यज्ञ में नहीं बज पाया था, तब भगवान ने कही थी कि तुम्हारे यज्ञ में कोई संत ऐसे रह गए जो नहीं आ पाए, इसलिए घंटा नहीं बजा। तब पता है वो सूत जी रह गए थे। सूत जी बता रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, उस समय भगवान से कह रहे हैं जी बताओ जी पांचाली जादन हवन कुंड से जन्मी तो जाके पैरों में चप्पल संग आई,
तो वे चप्पल ऐसी थी चट्टी के, वो आवाज करती थी चलते समय। वो आज द्रौपदी आई है नंगे पैर, अगर वे चप्पल इसके पैरों में होती तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। पर कन्हैया आज नंगे पांव आई है तो वे चप्पल कहां है? सो श्याम सुंदर ने बगल उठा के लेकर के दे दी, ले महाराज जी धन्य प्रभु जो 14 भवन का स्वामी है। अरे सूरज चंद्रमा जिसके नेत्र हो, दसों दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो, समुद्र जिसका उदर हो और वो इतने बड़े पूरे विश्व का मालिक हो और वो इनकी चप्पलें बगल में दही ढूंढता, तो प्रभु हमारी तो गिनती है ना। वचन यही रहेगा जो अब कह दिया है। पर कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, ये चतुराई तुम्हारी रही है। पांचाली चा बेटी अब मैं पांडवों को तो नहीं मारूंगा, पर इनने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो कन्हैया ध्यान रखना, एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, तुम्हू तो प्रतिज्ञा करके आयो। क्या मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, कह के आयो? और जाओ कल के मैदान में, अगर हथियार नहीं उठवा दूं तो गंगा जी का बेटा नहीं हो जाओ, लौटा दे। कुंती ने कही कन्हैया से, कन्हैया कहा वो कछुना बुआ त्याय बालक तो बच गए पर मेरी बात गड्ढा में चली गई, अब नहीं। ध्यान रखना उस समय रात में ही अर्जुन को लेकर के चले, बिना रस्सी की खाट बुनते सभी रात है, तब कन्हैया जिता पाए। सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए। यज्ञपति जी नाच लेता तुम ना आवो तो भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, कीर्तन में जो नाच लेते हैं उन्हें कबू गठिया भाई ना जानते। सांस सुनते अंदर ही अंदर नाचो तो अच्छा, चलो ताली बजाई के बोले शिव भक्त। अरे गजब